नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी 5 दिवसीय दिवाली उत्सव के दौरान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। नरक चतुर्दशी हमेशा लक्ष्मी पूजन से एक दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। दिवाली या रोशनी का त्योहार भारत के सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें लोग बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। परिवारों को मिलने, अपने घरों के काम को पूरा करने और पारंपरिक तरीके से अनुष्ठानों और पवित्र मान्यताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस दिन घरों, गलियों और दुकानों सहित पूरा क्षेत्र जगमगती रोशनी से जगमगाता है और भारत जैसे देश में जहां 29 राज्य हैं, इस त्योहार को मनाने के विभिन्न तरीके हैं और साथ ही अनुष्ठान भी अद्वितीय है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर राज्य में दीपावली मनाने का एक दिलचस्प तरीका है। ये 5 दिन का अवसर है जिसकी भीड़ 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। लोग सजावटी सामान, गहने, कपड़े, रसोई के सामान की खरीदारी करते हैं। ये भगवान रामचंद्र को समर्पित त्योहार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इस दिन अयोध्या लौटे थे। उन्होंने अपने पूरे वनवास के दौरान राक्षसों और राक्षसों के राजा रावण से लड़ाई लड़ी, जो लंका के शक्तिशाली शासक थे। अयोध्या में लोगों ने भगवान राम के स्वागत के लिए दिए जलाए और उनके लौटने पर उनकी जीत का जश्न मनाया। ये भी कहा जाता है कि नरकासुर का वध श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने इस दिन पर किया था। तब से दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दीपावली न केवल अपनी विशाल प्रसिद्धि और पटाखों की शानदार प्रस्तुतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके अलावा क्योंकि ये अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और गुमनामी पर जानकारी की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। धनतेरस के बाद और दीपावली से पहले लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं, जिसे लोग आमतौर पर छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी कहते हैं। राजस्थान और गुजरात में काली चौदास के रूप में मनाई जाती है। भक्त इस दिन अपने घरों को साफ कर अपने घरों को गहनता से सजाते हैं और अपने घर और उसके आसपास दिए जलाते हैं और दिन की स्तुति करते हैं। भारत में उत्सव अद्भुत व्यंजनों के बिना अधूरे हैं और नरक चतुर्दशी कोई अपवाद नहीं। सभी अनुष्ठानों के बाद दिन की शुरुआत बहुत ही असाधारण नाश्ते के साथ होती है, जिसमें लड्डू, चूड़ा, गुजिया, चकली आदि शामिल होते हैं। कुल मिलाकर दीपावली का पर्व उल्लास, प्रेम, प्रसन्नता और उपासना से भरा हुआ है। hindupoojarituals.com होम या हवन सभी वैदिक परंपराओं का पालन करके hindupoojarituals.com के विद्वान और वैदिक विद्वानों या पंडितों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए hindupoojarituals.com इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्मो रक्षति रक्षितः।